हमारे हौसलों की ताकत, हमारे हौसलों की ताकत मत नापिए साहब। राजस्थान के लिए हम अपना खून भी बहा देंगे। तुम भी चलो इस सफर में अगर मेरे साथ, विकास की गंगा हम घर घर बहा देंगे। सबका साथ सबका विकास जहाँ से अपन ने शुरू किया, टिकाऊ समावेशी सामयिक विकास, खुशहाल राजस्थान, खुशहाल राजस्थानी खुशहाल राजस्थान, दैट वाज द आइडिया। अब उसको सामने रख के हमने ये बजट बनाने की कोशिश की। पहले इससे जिला अध्यक्षों से बात कर ली थी, तो जिलों की क्या क्या मुसीबतें हैं उनको हमने इकट्ठा करने की कोशिश की, एंड आई थिंक मोर और लेस जो बर्निंग प्रॉब्लम्स थी वो विभाग संभाग टू संभाग भी थी, उनमें से सबको निकाल के हमने उसको डील करने की कोशिश की। और दूसरे साइड में व्यवस्था को किस तरीके से बसाया जाए वो भी ध्यान में लेने की कोशिश मैंने की। सो देयर वाज पार्ट वन एंड पार्ट टू, कि राजस्थान भी इस दायरे में आके और माने प्रथम पंक्ति में खड़ा हो जाए। मैं बार बार आप लोगों से इसलिए ये कहती हूँ कि इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि निवेश राजस्थान में आए। निवेश आने का मतलब ये है कनेक्शन इंटरनेशनल। वसुंधरा राजे निवेश की बात कर रही हैं तो निवेश पर भी बात करेंगे। रवि प्रकाश जी अलवर से हैं, नमस्कार, बताइए रवि जी क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ भी डोटासर जी बैठे हैं, कि मैं अलवर से हूँ, यानी कि सरकार ने जो घोषणाएं करी, जो हमारे यहाँ एक मिनी सचिवालय बनना था उसका काम बाधित हो गया केवल सरकार बदलने से। और जहां तक रोजगारों की बातें हैं, जो कांग्रेस के टाइम में जो नियुक्तियां निकाली गई थी और तकनीकी त्रुटि न्यायालय की त्रुटि के अंदर जो लग रही थी, ये अब तक उनको सुलझा नहीं पाए हैं। और ऐसी विडंबना बेरोजगारों के सामने खड़ी कर दी है कि ये तीसरे बजट से बड़ी उम्मीद थी लोगों को, अब चौथे में क्या कर देंगे, पांचवे में करने के लिए सरकारों के पास। चलिए चलिए क्या करेंगे, बिल्कुल जानेंगे। खालिद कुरैशी साहब नमस्कार। सर नमस्कार, बताइए आपको क्या लगा बजट में? सर बजट बेहतर है, जो पिछले साल जो बजट दिया गया था उससे बहुत बेहतर है। मेरी गुजारिश है आगे भी सरकार इसी तरह का अगली बार और बेहतर की उम्मीद कर रहे हैं। बिल्कुल उम्मीद कर रहे हैं। दूसरा मेरे गुजारिश ये भी है जनता से, वो सरकार को 10 साल दे ताकि वो देश को और बेहतर बनाया जा सके। मैं गोठवाल साहब आपके पास में आना चाहूंगा। एक तरफ तो लगता है कि ठीक है, लेकिन युवा खासतौर पर नाराज है, रोजगार के विकल्प इतने नजर नहीं आए। हो सकता है कि आपने 5 लाख नौकरियों की बात करके रोजगार दिए हो और 88,000 नौकरियां दी, लेकिन वो क्या जो पहले से इंतजार करें, भर्तियां अटकी हुई है, इसको लेकर सरकार भी चिंतित है। बजट में कोई खास नजरिया नहीं आया मुख्यमंत्री का। अगर आप देखेंगे हमारे बजट को तो जब जब भी मुख्यमंत्री जी का बजट, पहले पिछले बजट के अंदर भी मुख्यमंत्री जो युवाओं को लेकर रोजगार के लिए चिंतित थी वो आज भी है। और कई बार मुख्यमंत्री जी ने सदन में भी ये बात कही कि जिस तरह के इश्यूज विपक्ष बार बार कोर्ट में जाके अटकाता है, अगर विपक्ष कोऑपरेट करे तो हम जनता के लिए आज भी लोगों के लिए रोजगार, विपक्ष नहीं अटका रहा है जो आज है। भी आप लोगों ने पुरानी जो नियुक्तियां, आप ये बताइए आपके कार्यकाल के समय आपने कितना रोजगार दिया? वो तो हमने दिया, वो तो आप सामने है सब कुछ, लेकिन जो आपने, जो आपने वैकेंसी निकाली उसको आपने जाके कोर्ट में, दो साल में नहीं भर पाया, बिल्कुल नहीं। हमारी हमने जो वादा किया उसके अंदर रोजगार दिया हमने, कहां आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखेंगे। आप ही बता दो मुख्यमंत्री जी क्या बताएंगे, कहां कहां दिया बता दो। बिल्कुल बताएंगे हम, आप आइए बैठिए हमारे साथ, नहीं अभी हम आपको बिल्कुल देते हैं। लेकिन अश्विनी जी अब क्या समय है, अब आप सरकार सबको रोजगार मिड में है, मिड में है सरकार, ये 1,25,000 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर रही है बजट का जो आउटले है, इसमें जो रोजगार पैदा होंगे अपने आप ढूंढिए आप। जब मार्केट इकोनॉमी की अपन बात करते हैं तो सरकार कितनों को रोजगार दे देगी, कितनों को कर लेगी आप अपने आप 1,25,000 करोड़ रुपया कम अमाउंट। ये प्रैक्टिकल अप्रोच हुई, लेकिन जो वादे हैं स्वराज संकल्प की बात हो रही है, उस पर टारगेट नहीं करना चाहिए, भूल जाना चाहिए। दुनिया में जब फ्री आपने मार्केट इकोनॉमी के मॉडल को अपना लिया है तो अपने आप आदमी काम ढूंढता है, सरकार पैसा बांटती है, उसका बेस बनाती है और वो उसमें से ढूंढता, मतलब सोसाइटी काम करे इस पे। प्रैक्टिकल अप्रोच में और पॉलिटिकल अप्रोच में फर्क है यहाँ। हाँ वो तो कभी हो ही नहीं सकता। अश्विनी जी इसमें ना मेरे को जो लगता है कि जैसा कोठारी साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही है, सरकारी क्षेत्र में आप कितने लोगों को रोजगार दे दोगे, यानी टीचर बना दोगे या आरएएस कितने से निवेश का, लेकिन निवेश को लेकर बात हुई कि निवेश के जरिए रोजगार जो स्किल डेवलपमेंट का बहुत अच्छा प्रोग्राम, निवेश को अपन कैसे धरातल पे लाए, उस पे लगे पीछे आप। मैं उसी की बात कर रहा हूं, जो युवाओं को स्किल करने का काम है, ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है,
क्योंकि हमारे यहाँ 15% लोग ही हायर एजुकेशन में, 85% तो या 10वीं तक आगे रुक जाते हैं या उतनी भी नहीं। उसी मैन पावर को स्किल करना है जो अपने काम धंधे शुरू कर सके। तो ऐसे ट्रेड स्किल डेवलपमेंट की जो उन्होंने इस बजट में भी घोषणा की है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बहुत ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट पर जोर दे रही है और उसी के अनुरूप मेरे को लगता है उससे युवाओं को जो ऐसे ट्रेड है, मैसन का काम है, इलेक्ट्रिक का काम है, ऑटोमोबाइल का काम है, जिसमें इंजीनियर की जरूरत नहीं है, रोजगार निकले तो उसमें स्किल उनको, आप तो युवा को स्किल बना दो जी, तो वो अपने आप अपना काम धंधा कर लेगा, मेरा ये मानना है। तो उसको दिशा में सरकार ने ठोस बजट का एक डॉक्यूमेंट है जिसमें टोटल एम्प्लॉई बताए गए, कर्मचारियों की संख्या करीब करीब 10 लाख है, जितने पब्लिक सेक्टर ये सरकार के मिला के, और इस पे जो खर्चा होता है 32,000 रुपया पर मंथ एक एवरेज सरकारी एम्प्लॉय पे सरकार बियर करती है। अगर उसमें पेंशन को और जोड़ लें तो 45,000 रुपये पर मंथ आता। आप इतने पैसे में रोजगार कोई भी दुनिया की कोई भी सरकार, भारत की सरकार, राज्य की सरकार, कोई भी सस्टेनेबल हो ही नहीं सकते आप। मैं तो आपसे वही कह रहा हूँ साहब, रोजगार की बात है ना, जो केंद्र सरकार ने भी और जो इस राजस्थान सरकार ने भी जो इस बजट में रिफ्लेक्ट हुआ है, स्किल डेवलपमेंट के जो यूनिवर्सिटी बनाने की बात, ट्रेनिंग देने की बात कर रहे थे, लेकिन क्या ट्रेनिंग दे पाएंगे, सेंटर्स की बात कर रहे, सवाल इसी बात का है, आप घोषणाएं कर रहे हैं लेकिन वो उन घोषणाओं पर अमल कब तक कर पाएंगे। आपने शुरुआत में कहा, संकल्प पत्र में कहा सिंगल विंडो सिस्टम लाएंगे, और इस तीसरे बजट में जाकर ये बात हो रही है कि हम जिला स्तर तक सिंगल विंडो सिस्टम खोलेंगे, लेकिन क्या अगले दो बजट में ये पूरे हो पाएंगे, सवाल इस बात का। ये सिंगल विंडो सिस्टम का जो जहां तक बात है, ये जो लाल फीता शाही है, जो हर्डल्स हैं, जो हमारी सरकारी हर्डल्स किसी भी तरह से हो, सरकार इसको दूर करना चाहिए। आज जो इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं वो यहाँ से परेशान होकर जा रहे थे, ये लगातार बहुत सालों की बातें हैं, लेकिन अगर इसको कोई प्रभावी योजना जो सुधरी, मैंने शुरू में कहा कि बजट का जो रिफ्लेक्शन है वो लोग, मैं उससे पहले की बात करूंगा, निवेश की बात करूंगा, दो दर्शकों की बात करूंगा, की बात है तो दसरा जी के पास आऊंगा वो सवाल लेके। मैं रोकना चाह रहा हूँ सक्सेना साहब आपको, कृष्णा जी है जयपुर से और विजय सोनी जी जयपुर से हमारे साथ है। कृष्णा जी नमस्कार, कॉलर डिस्कनेक्ट हो गए। विजय सोनी जी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, पसंद नहीं आया बजट तो जनता पे तो हमेशा बाहर ही पड़ता है सर। कांग्रेस क्या करती है या बीजेपी क्या करती है, हमारे व्यापारी लोग हड़ताल पे बैठे हैं सर, तो कोई ऐसी कोई अच्छी चीज हो जो जनता के हित में हो, जनता के हित में तो कुछ आता नहीं है सर। जाहिर है 7 दिन से ज्वेलर्स हड़ताल पर है, लेकिन उससे पहले निवेश को लेकर मैं बात करना चाहता हूँ। पानी, बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये किसी भी निवेश को लाने के लिए एक राज्य में बुनियादी सुविधाओं की जरूरत होती है। क्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस बजट के जरिए आपको लगता है बुनियादी सुविधाओं पर जोर देने की बात कहती हैं वो मुहैया भी करा पा रही है? ऐसा है, देखिए अश्विनी जी, पानी में इन्होंने केवल 9 परियोजनाएं चालू रखने की बात की, उसको वित्त पोषित करने की बात की है 23 में से। अब आप देखिए, एक भी 3 साल में इन्होंने कौन सा प्रोजेक्ट लाए पानी के लिए, ये नहीं ले पाए। सड़क के लिए ये कह रहे थे कि 20,000 देंगे, फिर दूसरे बजट में कहा 10,000 पीपी मोड में। मेरे पास में मंत्री जी का 15 अगस्त 2015 तक का जवाब आया हुआ है कि हमने NHAI में या MDR में या स्टेट हाईवे में एक भी PPP प्रोजेक्ट अभी सेलेक्ट नहीं किया है। अब हम 10,000 किलोमीटर सड़कों के लिए मलेशिया की कंपनी से बात कर रहे हैं। ये इनकी आज दिसंबर तक की, फरवरी तक की बजट आया तब तक की स्थिति है। आप बताइए, जब दो बजटों में आप PPP मोड पे 20,000 और 10,000 किलोमीटर सड़क की बात कर रहे हैं, आप 1 किलोमीटर बना नहीं पा रहे हैं। पानी की एक परियोजना आपने, हमारे सिक्कर में कुमाराम लिफ्ट परियोजना का पानी था, नीम का थाना में आना था, खंडेला को सड़कों से जोड़ने के लिए 182 करोड़ 35 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं मुख्यमंत्री ने बजट में ऐलान किया। हाँ, उसके बारे में बताऊं, इन्होंने जो ग्रामीण गौरवपथ योजना थी और जो मिसिंग लिंक्स थी, दोनों को क्लब करके और 2,000 किलोमीटर की बात की है। आप देखिए, एक विधानसभा क्षेत्र में 10 किलोमीटर 2 साल में गौरवपथ और मिसिंग लिंक्स बनेंगी, तो आप समझिए कितनी बनेंगी। और जो मिसिंग लिंक 2 साल गलत है, हाँ नहीं, बिल्कुल आपकी कैलकुलेशन गलत है। एक विधानसभा क्षेत्र में दोनों क्लब है, नहीं आप पढ़िए, नहीं पढ़िए आप, पढ़िए मेरी गारंटी, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पिछले दिनों हुआ, नहीं नहीं वो अलग बात है, आप जो घोषणा की उसकी बात, मेरी जिले की, मेरे जिले की कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपने कहा, कोटवाल साहब मैं आज की बात कर रहा हूँ, आज आपके बजट में जो घोषणा की है 2,000 किलोमीटर की, उसके हिसाब से 2 साल में 10 किलोमीटर सड़क
दोनों को मिला 2000 मिसिंग लिंक के साथ आप ये भी देखिए कि गौरव पथ की भी घोषणा की दोनों गई है। एक क्लब कर दिया इसको। दोनों क्लब नहीं किया, दोनों अलग अलग आप पढ़िए ना, पढ़िए ना, पढ़िए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये लिख रखा है, देखिए आप बताइए। 3 साल का रोड मैप दिया और कहा कि गौरव पथ योजना रंग ला रही है, सड़कों का विकास करेंगे, 182 करोड़ और 35 लाख रूपए स्वीकृत किए गए। आज एक्चुअल में जो गौरव पथ का आगामी वर्ष में, आगामी वर्ष में कोटवा साहब, आगामी आगामी वर्ष में 2000 और ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्रामीण गौरव पथ एवं मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण प्रारंभ किया जाएगा। आप पढ़ के आओ। पढ़ लिया मैंने। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, दोनों को मिला करके 2000 नहीं है, 2 साल में 2000। सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना साहब, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्लान है उसी प्लान को वहां से कितना मिलेगा, आपको कितना देना है उसी प्लान पे। नहीं, नहीं, इसमें इसमें बिल्कुल क्लियर लिखा है, ये भाई अलग है, ये जो पैसा था मिसिंग लिंक्स का और ग्रामीण गौरव, ये इनके 60-40 को जो पीएम, मतलब पुरानी घोषणाओं को, पुरानी घोषणाओं को ही नया आमी जमा देने की कोशिश है। नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं, इन्होंने गौरव पथ की थी उसमें कटौती करके मिसिंग लिंक्स को भी साथ जोड़ दिया। और इसका क्या 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 इसका निवेश प्रभावित होगा, निवेश प्रभावित होगा, 100% होगा। और इसका कारण है 60-40 का 2000 ग्राम पंचायत मुख्यालय में 60-40 का रेशियो हो गया, इसलिए केंद्र इनको पैसा कम देगा, इसलिए इन्होंने इसमें कर दिया और ये स्टेट को नुकसान। आपने कैलकुलेशन नहीं की, 2182 मिसिंग लिंक है वो पहले की, और 2000 गौरव पथ वो पहले का, 2000 गौरव पथ आज दिए जाएंगे। मैं आज के बजट पर डिस्कस करूंगा, मैं निवेश पर ही बात करूंगा क्योंकि अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की बात है। ब्रेक के बाद दोनों एक्सपर्ट पैनल के पास में आएंगे और जानना चाहेंगे निवेश को लेकर जो बुनियादी जरूरत है उन पर क्या इस बजट में ख्याल रखा गया। छोटा सा ये बजट राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने का बजट है। आने वाले 3 साल में जिस तरीके से राजस्थान विकास के पथ पर और आगे बढ़े, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है उसको लेकर इस बजट के अंदर बहुत ही अच्छी घोषणाएं हुई। पेयजल को लेकर बहुत उन्होंने जो हमारी पुरानी जो स्कीम्स चली आ रही थी, ऐसी 13 योजनाओं को पूरा करने के लिए ये बजट के अंदर प्रावधान रखा गया। साथ ही आने वाले समय में 6 योजनाएं और नई करना, इसके बारे में भी इस बजट के अंदर प्रावधान रखा गया। अच्छा बजट है, विकासोन्मुख बजट है, महिलाओं के लिए है, हर वर्ग के लिए इसके अंदर कुछ ना कुछ है। और बिजली की जो हालत पूर्ववर्ती सरकार ने कर दी थी, उस पूरे सिस्टम को सुधारने के लिए चुनौतीपूर्ण काम किया है उस सरकार ने। हमारे हौसलों की ताकत, हमारे हौसलों की ताकत मत नापिए साहब। राजस्थान के लिए हम अपना खून भी बहा देंगे, तुम भी चलो इस सफर में अगर मेरे साथ, विकास की गंगा हम घर घर बहा देंगे।